हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक हाजिर हुआ हूँ एक छोटी सी खबर लेके, और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, वो भी आपको मैंने देनी है जो जो नए बच्चे फौज में जो भर्ती हो गए हैं, खास करके उनके लिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यार सबसे पहले तो आप कम से कम वीडियो को यार लाइक तो कर लो, या चैनल को अपना सब्सक्राइब तो कर दो, इतने ख़राब वीडियो भी नहीं बनाता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, अभी जो आपने काफ़ी एक वायरल वीडियो हुआ था, एक पुलिस की जो प्रियंका है अपनी, प्रियंका मिश्रा, यूपी पुलिस में जो आगरा में तैनात थी, तो आपने देखा कि उसको अपना नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि उसको नौकरी से निकाला नहीं था, उसने खुद ही रिजाइन किया, खुद ही इस्तीफा दिया उसको। उसके बाद जो क्या है, बीआरसी भी नहीं मिला। तो बीआरसी होता है दोस्तों वॉलंटियर अपना रिटायरमेंट स्कीम जो पुलिस में होती है, जैसे आर्मी में हम प्रीमैच्योर आते हैं पेंशन, लेकिन ये पुलिस के अंदर है बीआरसी। यानी कि जब उसने कोर्ट में बीआरसी दिया, इसका मतलब होता नहीं वॉलंटियर में पेंशन जाना चाहते हूँ, तो कोर्ट में ये इसकी पॉलिसी क्या होती है दोस्तों, उसकी पॉलिसी होती है या तो उसकी उम्र 45 साल हो, या उसकी सर्विस कम से कम 20 साल हो, तभी वो बीआरसी मिलता है। तो उसने कोर्ट ने वो भी उसका खारिज कर दिया। तो उसके बाद जो पुलिस ने, जब उसने इस्तीफा दिया पुलिस में, तो उसने बोला कि भाई जो आप पर जो ट्रेनिंग में हमारा पैसा खर्च हुआ है, तो उसका क्या होगा, जो आपको ट्रेनिंग मिली है उसके ऊपर तो बहुत खर्चा हुआ है अपना पुलिस का, तो इसलिए उसको 1.52, चलो 1.5 लाख मान लो राउंड फिगर में, इसको 1.5 लाख रुपया भी भरना पड़ा, और तब जाके फिर उसको वहाँ से पुलिस से छुटकारा मिला है। यानी कि वो इस्तीफा दे करके अपने घर आ गई है। अब आगे की उसकी सोच क्या है, आगे के विचार क्या है, तो उसके आगे के बोलती है कि या तो मैं यूपीएससी का पेपर फाइट करूँगी या मॉडल भी बनूंगी, लेकिन कुछ भी है दोस्तों, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो फेमस हो गई है। उसके इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी 60-70 हज़ार अभी फॉलोवर आ चुके हैं। तो चाहे तो वो अपना यूट्यूब से वीडियो बना करके भी, अभी उसकी कोई रोक टोक नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो बनाए अपने, फेमस वो हो चुकी है और आराम से अपना पैसा कमा सकती है यूट्यूब से। आप खुद सब जानते हैं कि YouTube से काफ़ी अर्निंग हो जाती है अगर अच्छा खासा हो तो। अभी बात करते हैं कि मामला था क्या। तो यूपी के औरैया की रहने वाली थी, उसने अपने कानपुर से पढ़ाई पूरी की, और कानपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों वो यूपी पुलिस में भर्ती हो गई। उसके बाद जो रिवॉल्वर वाला बूढ़ी जो उसने डाला था, वो काफ़ी फेमस हो गया था, उसी की बदौलत तो उसको अपनी नौकरी से, काफ़ी लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, क्योंकि आप जानते हो हिंदुस्तान की जनता है, वहाँ पर सब तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, इसलिए उसको ट्रोल करके इसलिए अच्छा नहीं लगा और उसने आराम अपना इस्तीफा दे दिया। तो अभी मैं बात आती है हमारे जो आर्मी के सैनिक हैं, नए नए बच्चे हैं, हर किसी को शौक होता है वीडियो बनाने का। पहले अभी ट्रेंड चला था टिकटॉक का, तो आजकल लेकिन दूसरे चल रहे हैं ये मौज टिक्की वीडियो, मौज के उसके बाद अपना जिली, काफ़ी सारे ऐसे ढेर सारे हैं जिनमें चिकने चिकने देखते हैं बच्चे और बैकग्राउंड अच्छा लगाते हुए उसको वीडियो बना देते हैं। तो अभी जो नए नए बच्चे आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे हर किसी का शौक होता है अपना अच्छी अच्छी सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, आजकल काफ़ी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं कि जैसे कि जिली है, मौज है, टिक्की है, तो दोस्तों इन पर वीडियो बिल्कुल भी ना बनाएं आप। इसमें प्रॉपर आर्मी में एक साइबर क्राइम के थ्रू अपना सजा का प्रावधान है, और ख़ास करके अपने हथियारों के बारे में या कोई भी ऐसी खुफिया जानकारी को तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। इसमें आपकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, और जो बदनामी मिलेगी वो अलग, और काफ़ी इसमें सजा का प्रावधान है दोस्तों। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जिससे कि हमारे जो नए नए सोल्जर भर्ती हो रहे हैं, हम हर किसी का ये सपना होता है, हर कोई चाहता है वीडियो हम बनाएं या ऐसा कुछ डालें। तो आप देख रहे हो कि प्रियंका के साथ में क्या हुआ है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल हरगिज ना करें दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसलिए आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने शेयरों में बांटें। दोस्तों मैं क्या है, हमेशा रियल जानकारी के साथ ही वीडियो बनाता हूँ, कोई भी ऐसा फेक न्यूज़ या कुछ ऐसा करके नहीं बनाता हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैं इन्फॉर्मेटिव जानकारी डालता रहता हूँ, वो चाहे आर्मी का जवान हो, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे कोई नया भर्ती होने वाला बच्चा हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जानकारी भरे हुए वीडियो प्राप्त करने के लिए, और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।